हे एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोग के साथ अपना रामनवमी का ब्लॉग से शेयर करूंगी। उस दिन मैंने क्या क्या किया पूरे दिन, वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो इस ब्लॉग में मैं इंक्लूड करूंगी प्रसाद मेकिंग, और मैं उसके बाद बाहर गई थी कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, वो सब भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगी। और फिर हम लोग गए थे इवनिंग में मंदिर, तो मैं आज आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी कि US में मंदिर कैसे होते हैं। तो प्लीज़ आप इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो सबसे पहले तो मैं सुबह मॉर्निंग में अपना नहा धो के रेडी हो गई थी, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर कुछ आलू और चने बॉईल करके रख दिए थे, और दूसरे पैन में मैंने चढ़ाया है, तो वहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ। तो एक पैन में मैंने अच्छे से देसी घी डाला है, उसके बाद मैं यहाँ पे सूजी भूनूंगी, और दूसरी ओर भी मैंने एक छोटा पैन चढ़ा दिया है जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून के अराउंड सरसों का तेल डाला है, उसमें मैं चने फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैं सूजी को अच्छे से भून लूँगी धीरे धीरे। दूसरे पैन में मैंने तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा डाला है, और जीरा अच्छे से स्प्लटर हो जाएगा, उसके बाद मैं उसमें ऐड कर दूँगी चने, और चने को ढक के थोड़ी देर मैं अच्छे से उसे रोस्ट होने दूँगी। मीनवाइल जब तक चने अच्छे से पक जाएंगे, रोस्ट हो जाएंगे, तब तक मैं क्या करूँगी, सूजी को अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी और इसे लगातार चलाती रहूँगी। सूजी अच्छे से भुन गई है, मैंने यहाँ पे गैस को लो कर दिया है, और चना भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, और उसमें मैंने अब ऐड किया है थोड़ा सा अदरक और ग्रीन चिली। चने को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था, और अब मैं डालूंगी उसमें मसाले। तो मसाले में मैंने जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और सॉल्ट। और अब मैं यहाँ पे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा क्या किया है, यहाँ पे 3 टेबल स्पून के अराउंड वाटर ऐड किया है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका मसाला है ना, वो ज़्यादा जल ना जाएगा, और अच्छे से मसाले अंदर चने के अंदर चले जाएंगे। और मैंने हलवा के लिए ना कैटल में पानी गर्म कर लिया था, तो मैं अभी यहाँ पे सूजी में पानी ऐड करूँगी, और मैं यहाँ पे अपने आइडिया से, अपने गेस से मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है, और अभी बस इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और इसे लो गैस पे मैं इसे ढककर पकाऊंगी 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट में ना आप देखेंगे कि सूजी अच्छे से फूल जाएगी, और इसको मैं अच्छे से चला दूंगी अब धीरे से। थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे एंड में डालूंगी चीनी। तो अब मैंने ऐड करी है यहाँ पे 1/4 कप ऑफ शुगर। तो मैंने यहाँ पे शुगर डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए और अच्छे से कुक किया है, और स्लो गैस पे ही कुक किया है, जो थोड़ा सा चीनी से बाद मॉइस्चर आ जाता है ना, वो सब अच्छे से मिक्सअप हो जाए। बस अब मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ कर दिया है, और अब मेरा हलवा भी बन के रेडी हो गया है, और वहाँ मैंने चने भी बना लिए थे। और अब मैं बना रही हूँ आलू की मसालेदार सब्जी। तो मैंने जो आलू बॉईल किए थे उनको कट करके रख लिए थे, तो और मैंने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा सरसों का ऑयल ऐड किया है। मैं यहाँ पे अब जीरा ऐड करूँगी, और थोड़ा सा दगड़ फूल ऐड करूँगी, जिससे ना थोड़ा टेस्ट अच्छा रहता है। इसको स्प्लटर होने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हींग डालूंगी, और अब ऐड करूँगी जो कटे हुए आलू थे उनको, और उसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे आलू अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं ऐड करूँगी यहाँ पे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा धनिया पाउडर और क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और तो मैं फिर मैंने ना टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था, उसको भी मैं ऐड कर दूँगी। तो
अभी मैं इन सब मसालों को अच्छे से ढककर पका लूँगी 5 मिनट्स के लिए, और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो यहाँ पे मेरे थोड़ा सा आलू ना नीचे लग गया था बेस में, मैं उधर पूड़ियाँ सेकने लगी थी तो इसीलिए मैं ध्यान नहीं दे पाई, तो थोड़ा सा आलू निकल गया था, बट उसके बाद मैंने पानी ऐड कर दिया तो वो आलू की ग्रेवी ठीक हो गई थी। फिर लास्ट में मैंने इसमें थोड़े से कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिए थे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मसालेदार आलू की सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे बन रही हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ, और इसे सेकने में मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो अभी प्रसाद वगैरह बनकर रेडी हो चुका है, अब हम लोग करेंगे पूजा। तो यहाँ पे हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई है, और आप भी हमारे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। तो हम लोगों ने उसके बाद प्रसाद वगैरह खा लिया था और ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद ये हमारे फ्रेंड के घर से प्रसाद आया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे चाय बनने रख दी थी। बस अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे और थोड़ा सा टीवी देखेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर। हमें आज थोड़े बहुत काम है वो ख़त्म करने हैं। सबसे पहले मैं आई हूँ सोसाइटी ऑफिस, तो मेरा एक पार्सल आया हुआ था हब में, तो मैं उसे कलेक्ट करने आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ शॉप किया है अपने लिए कुछ टारगेट से, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ़ यू वुड लाइक टू सी व्हाट आई हैव शॉप फॉर माई सेल्फ, एंड आई विल डेफिनेटली शेयर यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तो अब हम आए हैं कुछ क्लोथ्स डोनेट करने। तो हम लोगों ने बहुत दिनों से कुछ कपड़े निकाल के रखे हुए थे, हमें डोनेट करने थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ना कुछ कुछ डोनेशन बॉक्स ऐसे बने होते हैं, और कुछ कुछ डोनेशन शॉप्स भी होती हैं। आप वहाँ जाके अपने कपड़े या कोई भी घर का आइटम हो वो सब आप डोनेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप क्लोथ्स शूज़ डोनेट कर सकते हैं। तो ये हमारे घर के जस्ट सामने ही है, एक स्कूल है, डे केयर है, वह उसके सामने ही ये बना हुआ है। बस आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने होते हैं एक प्लास्टिक में पैक करके, चाहे वो शूज़ हो या क्लोथ्स हो। और ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एक बिन फुल होने पे एक ट्री प्लांट करता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन रखने का। और अब हम जा रहे हैं डॉलर ट्री, तो डॉलर ट्री से हमें कुछ प्लांट्स वगैरह के लिए ही सामान लेने थे। तो समर्स आ गया है तो हमको प्लांट्स ग्रो करने थे। तो ये एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आपको हर सामान बहुत ही चीप प्राइस पे मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल स्टोर है ये। और अभी यहाँ पे हमने शॉपिंग कर ली है, और मैंने आज ना यहाँ पे एक ब्लॉग भी शूट किया है जो कि मैं शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट, और वो ब्लॉग आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आएगा उसे देखकर। तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करिएगा फॉर नोटिफिकेशन। तो उस टाइम हम लोग अपने घर आ गए थे, फिर हमने 1-2 घंटे रेस्ट किया, और फिर अराउंड अभी 6:30 हो रहा है और हम लोग निकले हैं मंदिर के लिए। अभी देखिए इवनिंग में कितनी अच्छे से धूप निकल आई है, और मॉर्निंग से वेदर बहुत ही क्लाउडी था। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दिखाया है कि वेदर बहुत ही क्लाउडी था, और ऐसे ही मौसम चेंज हो गया है। तो अभी बस हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, और अभी हम लोग मंदिर में दर्शन करेंगे, थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे और आप लोगों को भी इसके दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे कि US में कैसे होते हैं मंदिर। Thank you.
तो अभी मैंने आपको बाहर से मंदिर दिखाया था और अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो मंदिर के अंदर एंटर करते ही यहाँ पे ऐसे रूम्स होते हैं और वॉशरूम्स वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अपने जैकेट्स, अपने शूज़ वगैरह यहाँ पे आप उतार सकते हैं। अभी हम लोग अब मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ी देर बैठे, उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। किसी फॉरेन कंट्री में तुमको अपना धर्म कहिए करने दे रहा है, बड़ा बात है ना। तो ये था मेरा रामनवमी का ब्लॉग और अ वीकेंड ब्लॉग। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को साथ भी शेयर करिएगा मेरे चैनल को। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल हैप्पी रिच लिविंग को भी फॉलो करिएगा, वहाँ पे मैं क्विक अपडेट्स डालती रहती हूँ, स्टोरीज़ और रील्स वगैरह भी बनाती रहती हूँ। तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग लाइफस्टाइल ब्लॉग्स और इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।